हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 120 महिलाओं को गैस चूल्हे वितरित किए। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख परिवारों को योजना के तहत गैस चूल्हे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में हिमाचल गृहिणी योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने करीब 120 महिलाओं को ये गैस चूल्हे वितरित किए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार की इस योजना को नायाब बताया। श्री जयराम ठाकुर सरकार ने जो गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है वो अपने आप में नायाब है। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा शुरू की गई और गृहिणियों के लिए सुविधा जो योजना है उसमें जो पात्र व्यक्ति थे उनको लाभ मिला। उसके बाद जयराम ठाकुर सरकार ने 1 लाख परिवारों को और निशुल्क गैस कनेक्शन देने का जो निर्णय किया है उस कड़ी में आज नाहन में जो सैकड़ों कनेक्शन वितरित किए गए हैं, मैं इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहनों को बहुत बधाई देता हूं और श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अत्यंत प्रिय योजना को श्री गणेश किया और पूरे हिमाचल में इसका कार्य तेजी से चल रहा। वहीं महिलाओं ने सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना की सराहना की। महिलाओं का कहना है कि गैस कनेक्शन मिलने से जहां समय की बचत होगी वहीं लकड़ी से पैदा होने वाले दोष से छुटकारा मिलेगा। चलाई है, मतलब जो हमारे को ये सिलेंडर वगैरह दिया है बहुत ही अच्छा ये दिया है उन्होंने और इससे सभी महिलाओं को अच्छी मतलब मदद मिलेगी। समय भी बचेगा और खाना भी जल्दी बनेगा और घर में जैसे धुआं वगैरह होता है उससे अच्छा है कि क्या बोलते हैं सभी गृहिणी अपने अपने सिलेंडर मतलब ये जो चूल्हे उस पर काम कर सकती है। जो सरकार ने हमें गैस चूल्हे दिया उससे बहुत सुविधा है, जैसे हमें खाना जल्दी बन जाता है, बच्चों को मतलब आसानी से स्कूल भेजा जा सकता है और धुएं से बचा जा सकता है। मेरा नाम टीना है, मैं रामाधौन श्यामपुर से बोल से हूँ और इसे इस स्कीम से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इसे हमारा टाइम बच जाता है, धुएं से बच जाते हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।